दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। आइए इस वीडियो में बात करते हैं एक न्यूज़, एक अपडेट जो अवध यूनिवर्सिटी की तरफ से आ रहा है एग्जामिनेशन फॉर्म के संबंधित। तो आपके यूजी और पीजी के इवन सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम फॉर्म फिल होना शुरू हो चुके हैं, यानी कि सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और अगर कोई सिक्स सेमेस्टर में है तो उनका भी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होना शुरू हो चुका है। किस कोर्सेज की बात करें तो सभी यूजी और पीजी की बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, इन सभी के एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होने की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो आइए ज़रा चलते हैं अवध यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एग्जामिनेशन फॉर्म का बॉक्स। यहाँ पे हम इसको क्लिक करते हैं और जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस खुल के आएगा। ये जो आप देख रहे हैं ना चलता हुआ, इसी के अंतर्गत आपका वो इन्फॉर्मेशन है, वही नोटिफिकेशन है जहाँ पे आपको बताया गया है कि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो इस चीज़ को देखिए जो यहाँ से निकल गया, समस्त बीए, बीकॉम, बीएससी द्वितीय, चतुर्थ एवं षष्ठ, सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर और प्रस्नातक एमए, एमएससी, एमकॉम के इसके संबंध में अधिसूचना आई है। ज़रा क्लिक करते हैं बिना किसी देरी के, और ये रही वो सूचना जिसका मैं बात कर रहा था। बीएड वाले भी और एमएड वाले भी आप लोग भी सावधान हो जाइए, क्योंकि देखिए यूजी पीजी के फॉर्म के बाद आपके बीएड का फॉर्म भराता है और यूजी पीजी के एग्ज़ाम्स के बाद आपके बीएड और एमएड के एग्ज़ाम्स होते हैं। तो ये वो नोटिफिकेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अतः विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त महाविद्यालय को उनसे संबंधित समस्त छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है। क्या जाता है भाई कि यूसी के कोर्सेज बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर और पीजी के कोर्सेज एमए, एमएससी, एमकॉम सेकेंड, फोर्थ और इसमें तो कोई सिक्स सेमेस्टर है ही नहीं, को संपन्न कराए जाने के लिए ऑनलाइन आवेदन इस प्रकार से भरी जाएगी। कैसे प्रकार से भाई, देखिए 29 तारीख से यानी कि कल से शुरू हो रहा है और 15 अप्रैल लास्ट डेट है। साथ ही साथ आपको ऑनलाइन कॉलेज में कब तक जमा कर देना है दोस्तों, 16 तक जमा कर देना है। तो 16 का वेट मत करिएगा, 15 से पहले ही आप जमा कर दीजिएगा। विश्वविद्यालय इसको क्या करेगा, महाविद्यालय जो एफिलेटेड कॉलेज हैं वो इनको 17 तक फॉरवर्ड कर देगा और 17 के बाद से फिर आपकी आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जैसे एडमिट कार्ड रिलीज करना, सेंटर रिलीज करना, ये सारी चीज़ें, उपयुक्त कार्यक्रम, परीक्षा, सब समस्त ये सारी चीज़ें हैं कि हाँ देखिए उसके हाँ यानी कि उपयुक्त वर्णित कार्यक्रम के अनुसार यदि कोई महाविद्यालय परीक्षा आवेदन पत्र सत्यापित नहीं करते हैं तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय एवं छात्र छात्राओं की होगी। छात्र छात्राओं को परीक्षा में सम्मिलित होने का, अब साफ तौर पर लिखा है कि अगर कोई महाविद्यालय कॉलेज इस समय के अंतर्गत वो चूक जाता है, फॉरवर्ड नहीं करता है तो कॉलेज की गलती होगी, दोबारा बच्चों को चांस नहीं दिया जाएगा। तो ये रहा दोस्तों, कल से आपका फॉर्म भरा जाएगा। अब देखिए जब आप कल से फॉर्म भरेंगे तो कुछ आपको समस्याएं आएंगी। कैसी समस्याएं आएंगी, जैसे हो सकता है फॉर्म भरने के बाद पेमेंट फेल हो जाए, फिर फॉर्म ऑलरेडी फिल्ड दिखाए, या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर ना निकले, या फिर सारा होने के बाद प्रिंट आउट, इस तरह की कुछ समस्याएं आएंगी। हालांकि मैंने इससे संबंधित ऑलरेडी वीडियो बनाया है, अगर फिर भी कोई समस्या अगर आपको आती है कल फॉर्म भरते वक्त तो आप हमें कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा बहुत ही आसान तरीके से। घबराइएगा मत, परेशान बिल्कुल मत होइएगा, बहुत ही आसानी से आपका फॉर्म में कोई भी दिक्कत होती है तो वो निकल जाएगा, ठीक है। समस्या जनरली क्या होती है कि आपने फॉर्म भर दिया, प्रिंट नहीं निकल पाया, या फिर पैसा अकाउंट से कट गया और यहाँ पे पेमेंट एक्सेप्ट नहीं हुआ, या फिर ऐसा हो सकता है कि पेमेंट करने जा रहे थे फिर वो सर्च करके वहाँ से पेज हट गया। इस तरीके की समस्याएँ बहुत साधारण सी समस्याएँ हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। कमेंट में आप अपनी राय प्रतिक्रियाएँ, कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। 2 मिनट बात कर लेते हैं बीएड और एमएड के बच्चों से। देखिए इसके बाद आपके फॉर्म भरे जाएंगे, इसके बाद जैसे मान लीजिए 15 तारीख है तो मैं एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन इसके बाद आपके फॉर्म भरे जाते हैं। तो आप संभवतः जैसे अप्रैल तक ये फॉर्म जा रहा है तो अप्रैल एंड में ही आपका शायद बीएड का फॉर्म आ जाए और मई जून तक आपका एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो तैयारी शुरू कर दीजिए। और हाँ, बीएड वाले बच्चे आप कहते हैं कि आपके क्लासेस नहीं चल रहे, ऑलरेडी क्लासेस अवेलेबल हैं। एक बार फॉर्म जब आ जाए तो फिर हम दोबारा से उसको देख लेंगे, केवल मैराथन देख लेंगे, बाकी फिलहाल सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से चेकआउट करिएगा, वहाँ से डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सूचना थी दोस्तों अवध विश्वविद्यालय के बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम की परीक्षाएं आवेदन 29 तारीख से यानी कि कल मार्च 29 से शुरू होगी और आखिरी डेट 15 अप्रैल है। डेट बढ़ेगा इस उम्मीद में मत रहिएगा, 10 तक कोशिश करिएगा, 10 तक आप फॉर्म भर लीजिएगा, क्योंकि अच्छा खासा टाइम है आपके पास। 29 के बाद से 2 दिन इधर है और 15 दिन उधर है, 18 दिन ऑलमोस्ट टाइम है आपके पास। तो 10 तक आप भर लीजिएगा, कॉलेज में जमा कर दीजिएगा, कॉलेज से बोलिएगा फॉरवर्ड कर दे, फिर उसके बाद अपनी तैयारी में लग जाइए। तो चलिए बस इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके परीक्षा के लिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत होती है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, संभवतः जहाँ तक हमसे हो पाएगा हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।